श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज जो भक्त हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर है, उन जगह पर उन पावन पवित्र सथलों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार वार तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र बार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार, शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त भजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भगत सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण है मंगलवार और शनिवार की, कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भगत आके अपनी मनोकामनाएं, जो जो जिस जिस भगत की परेशानी है, जिस जिस भगत की समस्या है, जो जो समस्याएं होती हैं, दुख की है, सुख की है, घर परिवार की है, भूत प्रेत बाधा लाग लपेट घर के अंदर नेगेटिविटी की है, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की है, व्यापार की है, पढ़ाई लिखाई की है, स्वास्थ्य की है, और किसी से अनबन हो गई है उनकी है, घर गृहस्थी के अंदर मियां बीवी की, आपस में धर्मपत्नी की और पतिदेव की नहीं बन रही है, व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है, बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद खरीदते हैं कोई फायदा नहीं होता। तो इंसान कलयुग के अंदर हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने का ही सारा का सारा प्रोपगंडा जितना भी है ये सुखी होने का है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुखी जो सुख है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सुख की प्रतिक्रिया या जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है सुख का, सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, वही संत महात्मा और गुरुदेव भगवान जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान है, कलयुग के विशेष अवतार ही मानिए आप, हमारे श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो आपको बताते हैं एक एक बात कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। इतने आसान तरीके से कोई संत नहीं बता सकता जो महाराज जी बताते हैं। जिस जिस भगत की जो जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, घर बैठे समाधान करवाते हैं। आपकी जो पेशी है, आपकी जो अर्जी है, वो घर बैठे लगवाते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिले तो आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके फेरी लगा सकते हैं, पेशी दरबार में भी आ सकते हैं और दिव्य सतली के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मर्द हैं, घर में पैसे की तंगी है, आप आ नहीं सकते, तो कोई जरूरत नहीं आपको आने की। जब आपके पास पैसे की अच्छी व्यवस्था हो जाए तब आप आ सकते हैं। तो बताइए और इससे आसान क्या तरीका देंगे हनुमान जी महाराज और उनके शिष्य उनके भगत। तो मंगलवार के दिन बहुत ही भयंकर भीड़ लगती है पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर। हजारों किलोमीटर दूर से भगत चल के अपनी अर्जी लगाने के लिए और अपनी जो जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के निवारण हेतु पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं। गुरुदेव भगवान उनका इलाज करते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा का इतना दिव्य महामंदिर है, उसकी मन भाव और भक्ति के साथ जो जो भक्त फेरी लगाता है उस भक्त का 100% काम पूर्ण होता है। एक उदाहरण नहीं है कि हम किसी एक उदाहरण को उठा के आपको बताएं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं भक्तों के, जिन जिन भक्तों के जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं से उनका पीछा छूटा है और आज खुशी के साथ आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की वहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता है, पेशी दरबार लगता है। गुरुदेव भगवान अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त रहते हैं, दिव्य दरबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर तो कभी कभार ही आ पाते हैं। लेकिन विद्वान पंडितों के द्वारा स्वयं हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा वहां विराजमान रहते हैं, अपने शिष्य को बाहर भेज रखा है और आप सन्यासी बाबा दरबार के अंदर रहते हैं, आपका सारा का सारा समाधान वहां पे हो जाता है। गुरुदेव भगवान के दर्शन हो तो आप लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम देख सकते हैं और जहां जहां नजदीकी आपके कभी कभी कथा होती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर कथाएं चलती हैं, तो जहां जहां दरबार लगता है वहां आके आप दर्शन भी कर सकते हैं महान मूर्त के। क्योंकि दर्शन से तो आप एक बार दर्शन कर लिए तो समझिए कि आपके परम सौभाग्यशाली हैं। पावन ऐसा आपने काम किया है जिसकी वर्णन मुखारविंद से नहीं किया जा सकता। दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, सिद्ध कोटि महापुरुष के अगर दर्शन हो जाएं और सौभाग्य मिल जाए उनको घर में भोजन कराने का, तो आप अपनी जो कृपा है उसको छोटा मत मानिए। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि उस सिद्ध कोटि महापुरुष के दर्शन करने के और भोजन कराने का आपको मौका मिला कलयुग के अंदर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान जहां भी रहे, दरबार में रहे, बाहर रहे, उनका मन हमेशा सन्यासी बाबा के दरबार में रहता है और वहीं से सारा का सारा सिस्टम अपने हिसाब से सही करते हैं। तो बागेश्वर धाम के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वहां पे पेशी दरबार लगता है। मन भाव चित्त और श्रद्धा के साथ आप आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो जो आपका संकल्प है, कोई एक संकल्प है, एक संकल्प बहुत अच्छी तरीके से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है कि संकल्प हमेशा एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। आप बैठते हो आपके मन के अंदर संकल्प हजारों उठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। संकल्प एक हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, विधि विधान से हो। सबसे पहले नियम है बागेश्वर धाम की कि कोई भी बंदा वहां जाए वो शराब पी के ना जाए। मांस मछली अंडा जो गलत चीजों के आचरण है उसको छोड़ के जाए। अगर उसका भोग करता है, उन चीजों को ग्रहण करता है, तो बागेश्वर धाम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। बीड़ी दारू मीट अंडा शराब व्यभिचार गलत दृष्टि गल आपका आचरण आचार विचार व्यवहार आपका शुद्ध होना चाहिए और खान पान का तो विशेष वर्जित है।
ये तो सबसे पहले है आपका कि आप शराब नहीं पियेंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे और प्याज लहसुन का भी विशेष वहाँ पे वर्जित है। घर जाके आप भोग कर सकते हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन दारू मीट अंडा शराब तो बिल्कुल बिल्कुल मना है। जो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि झूठे हैं, कोरे झूठे हैं, हनुमान जी महाराज बिल्कुल कतई नजदीक नहीं आएंगे उनके। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी और इन चीजों को छोड़ने के बाद आप देखना कि आपके घर के अंदर प्रभाव कैसा होता है, कैसा आशीर्वाद मिलता है, कैसी एक शांति आप महसूस करेंगे। जब तक आप अपनी गंदगी को निकाले नहींगे, मकान सड़ रहा है आपका, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो सोने का आनंद आएगा? सफाई हो बढ़िया सुंदर तरीके से, अच्छी खुशबू लग रही हो हरी नाम की, धूप बत्ती हो रही हो, तो वहां बैठते ही आपको नींद आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, आनंद आएगा, जिसके लिए आप भटक रहे हैं दर बदर। आनंद के लिए भटक रहा है इंसान, पैसे का आनंद हो जाए, घर गृहस्थी का आनंद हो जाए, किसी प्रकार की टेंशन ना हो मुझे आनंद हो जाए, मेरे बच्चे आ जाए, बच्चे हो जाए तब मेरे को आनंद की अनुभूति हो। यानी कि टोटली जितना भी आप घूम घुमा के देखोगे तो इंसान सिर्फ आनंद के लिए डोलता है, आनंद के लिए भटकता रहता है कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले मुझे। लेकिन सुख की जो प्रक्रिया है उसको वो जानता है नहीं और सुख ढूंढता फिरता है। तो सुख ढूंढने के लिए आपको यह चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपको सुख की अनुभूति होगी। संतों की बातों को मानिए और जो संतों ने महावाक्य कहे, वाणियां कही, जिस रास्ते पे आपको चलने के लिए कहा है उस रास्ते पे आप चलिए, आपका 100% समाधान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के दिन आइए, हम सभी भक्त हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हैं कि हनुमान जी महाराज हम भक्तों के ऊपर आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम आप कहेंगे उस गलती जो हमसे गलती हो रही है उसका परित्याग करेंगे, छोड़ेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। आप हमारे घर के ऊपर विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रहे, सुख शांति घर के अंदर निवास हो, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण ना हो, स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज हमारा स्वास्थ्य भी आप पहला सुख निरोगी काया, हमारी काया भी सुख रहे और हम हमेशा ऐसा हमारी बुद्धि को बनाए रखना, हमेशा आपकी भक्ति के अंदर लगे रहे। इन्हीं बातों के साथ आइए हम सभी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।